सो फाइनली द वेट इज ओवर एफ कैट के रिजल्ट ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं और यही डेट अप्रॉक्स हम लोगों ने आपको मैंशन भी करी थी तो आइए जानते हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है उसके बाद जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे देन यू विल गेट द लिंक हेयर ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका सीधे कैंडिडेट लॉग इन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी ई मेल आई डी पासवर्ड कैप्चर डाल के साइन इन कर पाओगे ठीक है नॉ फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सो so, जैसे कि अभी ये नील नीलकमल है इस बच्चे का स्कोर 197 है लास्ट टाइम से कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई है राइट एक से दो मार्क्स बढ़ा हुआ है बट नॉट अ पॉइंट आप भी अपना बताइए कि आपने कितना स्कोर अटेन किया है अपने कमेंट बॉक्स में और उसके अलावा एस एस बी की भी डेट्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और एस एस बी की प्रिपरेशन भी हमारी स्टार्ट हो गई है उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है यू हैव टू कम टू मेजर कॉलेजी क्लासेज और ये जो नाइन्टी डेज एस एस बी प्रोग्राम होगा ये प्रॉपरली इंक्लाइन करेगा आपको आपके एस एस बी के लिए विथ ऑल रिटायर्ड ऑफिसर्स और सिलेक्शन तो भाई हंड्रेड परसेंट है ही है इसके लिए आपको क्या करना है कॉल करना है नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पे जैसा कि हम लोग हमेशा से कहते हैं दिस इज नॉट एन अकेडमिक प्रोग्राम ये आपके डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी टेस्ट है और इसी के लिए नाइन्टी डेज मस्ट हो जाता है आपकी एस एस बी के लिए तो आज ही एनरोल करें इन बैचेज में क्योंकि ये भी फुल हो जाएंगे राइट और अब हम मिलते हैं एक हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से राइट वी हैव मोर जिसमें हम लोग इंटरव्यूज करेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक बच्चे से मिल लेते हैं कम सो so, आशुतोष क्लास में बैठे बैठे रिजल्ट आ गया हाँ मैम आज सुबह क्लास आई <laughs> तो तो थी तो एक्साइटमेंट ज्यादा था कि नर्वसनेस ज्यादा था टेंशन थी मैम थोड़ी बहुत पर टेंशन थी, थी हाँ। बिल्कुल ये डेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दी थी कि इसी डेट के अप्रॉक्स आ जाएगा हाँ, राइट और फाइनली आ गया और भी बच्चे थे राइट जिन्होंने दिया है तो अभी बैक टू बैक सबसे हम लोग मिलेंगे सबके इंटरव्यूज होंगे

तो अब देख रहे हैं हम आगे क्या करना है एफएसबी वगैरह के लिए तो बस बिल्कुल अब तो एसएसबी के प्रोग्राम स्टार्ट हैं हाँ उसी में हम लोग एनरोल हो जाएंगे और वही हाँ? प्रॉपर करने वाले हैं yes, तो अब इन बच्चों के लिए क्या एक वर्ड मोटिवेशन वर्ड जिन बच्चों का नहीं हुआ ठीक है उनके लिए क्या एक मोटिवेशन वर्ड आप देना चाहते हैं मैम इसमें अपने आईएफ में तो सबसे ज्यादा रिटर्न पोर्शन रिटर्न बोल रहा हूं जो फिक्स पार्ट आता है स्टैटिक पार्ट वो बहुत ज्यादा आता है हाँ. तो बार बार रिपीट करके हमको पढ़ना पड़ता है तभी उसी से स्कोर होगा हो तो so मेरा उसी में थोड़ा लैग हो गया इसलिए स्कोर थोड़ा लो था वरना चलिए तो जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए आगे भी मौका है हमारे पास फेबर में फिर से एफ कैट आने वाला है तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज और जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए एस एस है बिल्कुल लेट मत करिए ये नाइनटी डेज डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं क्योंकि एस सच में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जय हिंद